नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। धौलपुर में आज रितेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान विधायक शोभारानी कुशवाहा पर ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसका जवाब विधायक शोभारानी कुशवाहा ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दिया। उन्होंने लिखा, आज श्री रितेश शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए। मैं उनका खंडन करती हूं और श्री रितेश जी से कहना चाहती हूं कि आगे से बिना सबूत के साथ ऐसी बकवास ना करें। अगर आपके पास सबूत है कि मैं किसी ठेकेदार के साथ पार्टनर हूं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, अन्यथा आप धौलपुर की जनता से माफी मांगो कि आपने बिना किसी सबूत के वर्तमान विधायक के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप झूठा लगाया है। बाकी मैं धौलपुर की जनता जनार्दन से कहना चाहती हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, यह केवल इनका जीत ना पाने का दर्द है और कुछ नहीं। या लोग कोठी में एयर कंडीशनर के अंदर बैठने वाले नेताजी हैं, जनता के बीच में गर्मी के अंदर नहीं निकल सकते, इसलिए यह लोग वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। रही बात ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ी किए जाने की, तो मेरे पास मेरी विधानसभा में ठेकेदारों की शिकायत आई है, जिस पर मैं कल 15 जून 2024 को लिखित में पीडब्ल्यूडी अधिकारी को मेल कर चुकी हूं, जिसका सबूत मेरी मेल आईडी पर सुरक्षित है और जल्द ही क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारियों को साथ लेकर सैंपल लिए जाएंगे और अगर शिकायत सही हुई तो ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर दारा पैलेस के पास धौलपुर, अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 94-13-81-68-81 और 96-64-01-24-11। समाजसेवी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक ने पीएम मोदी से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। बसेड़ी क्षेत्र के समाजसेवी सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक भीम सिंह परमार ने पीएम मोदी से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। 72 वर्षीय भीम सिंह परमार प्रार्थी ने विद्युत विभाग की लापरवाही से परेशान होकर पीएम को डाक पत्र द्वारा समस्या से अवगत कराया, साथ ही इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। प्रार्थी भीम सिंह परमार, जो एक बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, यह पिछले एक साल से विद्युत विभाग की टालम टोली और अनदेखी के चलते परेशान है। इन्होंने पीएम मोदी को भेजी गई प्रार्थना पत्र में बताया कि करीब एक साल से अपने घरेलू मीटर को ग्रामीण क्षेत्र के ट्रांसफॉर्मर से हटाकर शहरी क्षेत्र से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थी का मीटर दोपुरा चौराहे की जीपी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा जोड़ रखा है, जिसे विभाग के कर्मी 24 घंटे में 24 बार लाइट काटते हैं। इस वजह से प्रार्थी को परिवार सहित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष मई माह में 45 से 50 डिग्री तापमान में भी संपूर्ण रात्रि को 7-8 दिन बिजली नहीं आई, तो वहीं दिन में भी मात्र 5-6 घंटे बिजली मिलती है। इसके साथ ही प्रार्थी की मुख्य गैलरी में 5 से 6 घरों में नंगे तार लटके होने से परिवार को हादसे का भय बना रहता है। इस संबंध में भी घरेलू मीटर को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रार्थी के द्वारा बसेड़ी क्षेत्र के एएन से कई बार संपर्क किया गया, तो एएन के द्वारा खुद से समस्या समाधान करने की जगह टोल फ्री नंबर पर बात करने की सलाह दे डाली, तो वहीं जेएन कॉल रिसीव नहीं किया तो लाइन मैन ने बात तक नहीं सुनी। इसको लेकर प्रार्थी द्वारा सबसे पहले 28 जून 2023 को पूर्व में भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वहां के बाद समाधान नहीं होने पर स्वयं ने 17 मई 2024 को धौलपुर जिला कलेक्टर सहित अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग धौलपुर बसेड़ी एएन को भी पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन
लेकिन नतीजा ढांक के 3 पात रहा। इसको लेकर सुनवाई नहीं होने के कारण हार कर पीएम मोदी से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई, जिसकी प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विद्युत मंत्री को भी भेजी गई है। वसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने धामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल, कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रूपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9608794400, दूसरा 9549831768। धौलपुर विधायक जनता के द्वार अभियान। आज धौलपुर विधायक शोभरानी कुशवाहा विधानसभा के बूथ नंबर 13 शास्त्र नगर, बूथ नंबर 4 मूसलपुर और बूथ नंबर 5 बद्रिका में पहुंचकर गांव की समस्याओं को मौके पर सुना और समाधान हेतु ग्रामवासियों के साथ चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गांव की मुख्य समस्या नाला, पोखर और CSC रोड की रही, जिसमें समाधान हेतु विधायक ने नाला स्वीकृत कर शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिए। पुत्र की स्मृति में प्याऊ लगाया। शहर के प्रमुख समाजसेवी राम प्रसाद अग्रवाल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय विवेक अग्रोहा की स्मृति में फद्दिका चौराहे पर प्याऊ लगाया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रमुख समाजसेवी राम प्रसाद अग्रवाल, थाना प्रभारी कोतवाली प्रमेंद्र रावत, जितेंद्र सिंह राजौरिया व डॉक्टर जगदीश अग्रवाल ने फीता काटकर प्याऊ की शुरुआत की। इस अवसर पर राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। थाना प्रभारी कोतवाली प्रमेंद्र रावत ने कहा कि गंगा दशहरा के अवसर पर पानी पिलाने का महत्व और यह पुण्य का कार्य माना जाता है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह राजौरिया ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे हम अपने पूर्वजों को अपने बीच जीवित रख सकते हैं। प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। इस अवसर पर डॉक्टर जगदीश अग्रवाल, संजय अग्रोहा, देवेंद्र पांडे, संजीव चंद्र मोहन, रंजीत दिवाकर, सोनू शर्मा, प्रशांत गुप्ता, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, उदी अग्रोहा, वेदु अग्रोहा व बॉबी मुख्य रूप से मौजूद थे। शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028068 और 8058100462।
गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने आस्था की लगाई डुबकी। गंगा दशहरा पर्व को लेकर रणछोड़ नगरी तीर्थराज मशकुंड पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं महिलाओं और कन्याओं ने मशकुंड सरोवर में डुबकी लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालुओं ने सतुआ, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, आम, खीर, वस्त्र, मिठाई और मिट्टी के बर्तन पंडितों को देकर दान पुण्य किया। मशकुंड लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास जी महाराज ने बताया कि आज के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, चंबल, सरजू आदि नदियों में नहाना शुभ तो माना जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ सभी तीर्थों का भांजा तीर्थराज मशकुंड पर नहाकर डुबकी लगाना अति शुभ कार्य माना जाता है। गंगा दशहरा पर्व पर चारों दिशाएं खुली रहती हैं, इसलिए कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता। आज के दिन के हुए सभी कार्य शुभ माने जाते हैं, इसलिए आज के दिन तरबूज, सुराई, खरबूजा, ककड़ी, आम, केला, सतुआ, कपड़े आदि का दान पुण्य करना अति शुभ माना जाता है। वहीं मशकुंड परिसर में श्रद्धालुओं ने भंडारे लगाए, जिसमें ठंडा शरबत, खीरा, सतुआ, सब्जी, पूरी, पुआ आदि का प्रसाद भक्तों को बांटा गया। वहीं दशहरा पर्व पर तीर्थराज मशकुंड सरोवर में धौलपुर जिले के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि जगहों से श्रद्धालुओं ने आकर मशकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कमाया। वहीं मशकुंड के घाटों पर पुलिस प्रशासन की पूरी पूरी व्यवस्था रही, जिसमें मशकुंड चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार के सानिध्य में मशकुंड पर गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन सरोवर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं लाडली जगमोहन जू सरकार मंदिर में श्रद्धालुओं और भक्तों ने मशकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर महंत कृष्णदास जी महाराज, चौकी इंचार्ज कृष्ण अवतार, एएसआई वीरेंद्र शर्मा और पुलिस के नौजवान सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। भरपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर तीर्थराज मशकुंड में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाई, मंदिरों में दर्शन किए, सत्तू, शरबत, बीजना, खरबूजा, आम यथाशक्ति लोगों ने दान पुण्य किया। जगह जगह शरबत और सत्तू के भंडारे लगाए गए, कई श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया गया, मंदिरों में बड़ी संख्या में दान पुण्य, वस्त्र आदि किए। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कई साल बाद ऐसा गंगा दशहरा तीर्थराज मशकुंड में देखने को। महाराज जी ऐसा बताते हैं कि जो काम कभी नहीं हो रहा हो, उसका शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा हो, और कहते हैं कि पुराणों के अनुसार कि दशहरा का विकास शुभ हो जाता है। आज के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुई थी। भगवान शंकर ने अपनी जटा में दान करते हुए कि भारत की, अखंड भारत की भूमि पर आई, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा पावन पर्व जिसमें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, दसों दिशाएं आज खुली होती है, दसों दिशाओं में कोई भी दान पुण्य, कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। गंगा दशहरा में किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं होती, अभिजीत मूर्त होता। मशकुंड पर लगभग श्रद्धालु कितने आए होंगे आज आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 20 से 30 हजार की संख्या आज। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में अपने पीहर में रह रही महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया। कोलारी थाना पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एएसआई सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि मृतक महिला कविता के पिता कैलाश चंद्र निवासी गांव हरलाल का नगला ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि उसने 6 साल पहले अपनी बेटी कविता की शादी आगरा जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के विचोला गांव निवासी
पप्पू के साथ की थी। शादी के एक साल बाद बेटी ने पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का जन्म होने पर ससुराल पक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा और कविता के साथ मारपीट कर यातनाएं दी जाने लगी। इसके बाद दूसरी और चौथी साल में भी कविता ने दो बेटियों को जन्म दिया। कविता के तीन पुत्री पैदा होने की वजह से ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर बच्चियों की परवरिश के लिए पैसों की भी डिमांड करने लगे। पिता कैलाश चंद्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब दो महीने पहले बेटी कविता के साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया था। पीहर में कविता पिता के घर पर ही रह रही थी और पिता द्वारा इलाज कराया जा रहा था। शनिवार सुबह कविता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना पिता ने स्थानीय कोलारी थाना पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक घटना को लेकर पूर्व में भी महिला के पिता दहेज का मामला दर्ज करा चुके हैं, जिसके बाद पीहर पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मृतका की मौत को संदिग्ध मानते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी। का सरफेस शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहां है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। एक साल से फरार चल रहे आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर के सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में एक साल से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खेत के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। आरोपियों की मुखबिर की सूचना पर सेपू बाईपास से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एक साल पहले 18 जून को कासिमपुर गांव के रहने वाले बाबूलाल पुत्र दुलीचंद ने थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले में बताया गया था कि खेत के विवाद को लेकर गांव के कुछ लोगों ने पीड़ित और उसके पुत्र पर सरकारी स्कूल के पास जानलेवा हमला कर दिया था। जानलेवा हमले के बाद आरोपियों ने ईंट फेंककर उसके पुत्र गुलाब सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत पर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी निहाल सिंह पुत्र राम खिलाड़ी और कृष्णा उर्फ कृष्णकांत पुत्र रामवीर के सैपू बाईपास के पास आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94-14-57-37-70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। जिले भर में धूमधाम से निकली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा 6 बजे महात्मानंद की बगीची से होते हुए टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, जगन चौराया, लाल बाजार, संता रोड और अपने मुख्य मार्गों से होते हुए पंचायत समिति पहुंची। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम अतिथियों एवं मांगतुको लोगों का, ब्राह्मण समाज के लोगों का स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह समाज सेवी और धर्म प्रेमी लोगों ने स्वागत किया। वहीं समाज सेवियों ने शोभा यात्रा में जगह जगह ठंडा शरबत, सब्जी, पूड़ी और अन्य व्यंजनों के स्टॉल लगाए। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम का डोला आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा का शुभारंभ धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीती और अद्भुत संत पागल बाबा विशेष अतिथि गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज ने किया। इस उपरांत केसरी भवर लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा, मनराम कापुरा, प्रमोद शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, श्रीनिवास भाजपा नेता कुकू शर्मा, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, आदित्य जगरिया, सुनील पचौरी, हरिओम शर्मा, जयंत शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में अतिथिगण और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान की ओर से चलाए जा रहे 15 दिवसीय निःशुल्क बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन समारोह संपन्न हुआ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला बालिका आत्मरक्षा प्रभारी के गर्ग ने कहा कि मार्शल आर्ट वर्तमान में बेटियों के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान द्वारा पूरे जिले में बेटियों के लिए जो निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है वह प्रदेश में सर्वोपरि है। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी राजवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि 15 दिवसीय शिविर में बेटियों ने जो आत्मरक्षा के गुण सीखे हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान अब पौधारोपण के क्षेत्र में भी कार्य करेगी और क्लब का प्रत्येक खिलाड़ी पौधा लगाकर वृक्ष बनने तक उसकी नियमित रूप से देखभाल करेगा। वरिष्ठ खिलाड़ी संजीव झा ने कहा कि क्लब स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा टाइगर के सपने को साकार करने में लगा हुआ है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस अवसर पर क्लब के कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा व सचिन विक्रांत मुदगल टाइगर ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब द्वारा बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं 18 जून से नियमित रूप से चलेगी। जो भी विद्यार्थी मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं वह निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ी विशाल गोगना, शाहिद अली, शेरा मिर्जा, यशवीर सिंह, कोच विकास बघेला, मनोज शर्मा, आर्यन, हिमांशु जयप्रकाश, विनीत शिवा, पीयूष, अथर्व, नीलम भगेल, मोहिनी, नेहा, अंशु, मुस्कान मुख्य रूप से मौजूद थे। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के ओड़ेला गांव के पास बने तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के तालाब में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मृतक के शव को तालाब में बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रविवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटी दोवाची का रहने वाला युवक अभिषेक, उम्र 18 साल, पुत्र रघुवर शनिवार को भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए ओड़ेला गांव के पास बने तालाब में आने के लिए गया था। तभी नहाते समय अचानक युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की टीम को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि युवक की मौत होने के बाद रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने उसकी मौत के कारणों की जांच शुरू करती है। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में एक ही परिवार के सात सदस्यों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। बाड़ी के गांव घड़ी सांद्रा के रहने वाले एक ऐसे परिवार की जो पूरे परिवार मानवता के लिए समर्पित हुआ। हंसराम पोसवाल आरएसी धौलपुर के कांस्टेबल के पद पर कार्यरत व खुद और उनका पूरा परिवार मानव सेवा के लिए अग्रणी रहते हैं। उनका परिवार रक्तदान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घर में जब किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी के सालगिरह हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, उसे यादगार बनाने के लिए हंसराम और उनका पूरा परिवार कुछ न कुछ मानवता का ऐसा कार्य करते हैं जिसे यादगार बनाया जा सके। अभी 14 जून को पूरे विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। उसी अवसर पर हंसराम और उनके परिवार के 6 अन्य सदस्यों ने अर्पण ब्लड बैंक धौलपुर जाकर स्वैच्छिक रक्तदान कर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया। रक्तदान करने वालों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, जिनमें देशराज सिंह जो 2017 से लगातार रक्तदान कर रहे हैं और वह अब तक 22 बार रक्तदान कर चुके हैं। रश्मि देवी जो 2016 से रक्तदान कर रही है और अब 8 बार रक्तदान कर चुकी है। हंसराम जो 2012 से रक्तदान कर रहे हैं जो अब तक 12 बार रक्तदान कर चुके हैं। मान सिंह 2016 से रक्तदान कर रहे हैं जो अब तक 8 बार रक्तदान कर चुके हैं। ब्रजेश पोसवाल 5 बार, रामविलास 3 बार और सुनील कुमार ने पहली बार रक्तदान किया। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर की देहोली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने मौके से एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, वहीं 4 ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। देहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी योगेश तिवारी के साथ थाने की पुलिस ने जैतपुर घाट से चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान 4 बजरी से भरे
ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस की एक टीम ने पांचवें ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी अंकित पुत्र मुकेश निवासी कुड़ीला ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर आ रहा था, जिसे वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत जब्त करते हुए फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। धौलपुर के सदर थाना इलाके में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला। बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से उसकी पहचान कराई, जिसकी पहचान नहीं होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक बुजुर्ग के शव को लेकर अस्पताल पहुंचे जाटोली चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बहादुरपुर मोड़ पर सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां बुजुर्ग की पहचान करने के लिए पुलिस ने आसपास के गांव के को बुला लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं होने के बाद पुलिस ने उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसकी पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए। बुजुर्ग की मौत के मामले में हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी पहचान होने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में अगली कार्यवाही की जाएगी। कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत सम्मान। सरमथरा में अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसकी कलश यात्रा पंचमेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण भारद्वाज वृंदावन वालों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से ही प्राणी की मुक्ति हो जाती है, इसलिए सभी को भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। कलश यात्रा पंचेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्ग फोंदा का चौक सब्जी मंडी सुनार गली होते हुए कथा स्थल अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखते हुए पीली साड़ी पहनकर चल रही थी। कलश यात्रा का कस्बे वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सांप के डसने से एक महिला की हुई मौत। भागपुर के सदर थाना क्षेत्र के रूप पसुर गांव के पास सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। महिला एक दिन पहले ही अपनी ससुराल से पीहर आई, जो खेतों में पशुओं के लिए चारा काटने गई थी। महिला मौत के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाने की SI यादराम माथुर ने बताया कि रूपसर गांव में महिला कविता पत्नी धर्मू कुशवा की संदिग्ध तौर पर मौत की सूचना मिली। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन उसके शव को लेकर महिला की ससुराल कंचनपुर थाना क्षेत्र के भूतपुरा गांव चले गए, जहां से कंचनपुर थाना पुलिस महिला के शव को लेकर जिला अस्पताल आ गई। SI ने बताया कि महिला की मौत को लेकर परिजनों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि महिला कविता एक दिन पहले ही अपने ससुराल से पीहर आई थी, जो खेतों में चारा काटने के लिए गई, जहां सांप के डसने से इसकी मौत हो गई। महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए सदर थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस के मुताबिक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। गर्मी से बेहाल लोगों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए शुरू किए प्रयास, किया दाल अंगों का आयोजन। जून महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और आषाढ़ मास भी आधा बीत गया, लेकिन बारिश का दौर अभी भी क्षेत्र में शुरू नहीं हुआ। इसी के चलते जहां किसानों को खेतों में पड़े बीज के सड़ने की आशंका सता रही है, आमजन का भी उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों द्वारा बारिश को लेकर किए जाने वाली पुरानी परंपराओं की फिर से याद आ रही है। बसेड़ी कस्बे के बयाना रोड पर श्रीराम मैरिज होम के पास रूठे हुए बारिश के देवता इंद्रदेव को मनाने के लिए दाल रोटी का प्रसाद लगाया गया, जिसे बिना पानी ही भोजन के रूप में छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। पुरानी मान्यता है कि इससे बारिश के देवता इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छी बारिश होती है। बसेड़ी निवासी पवन शर्मा ने बताया कि उनके बड़े बुजुर्गों ने इस प्रकार का कार्यक्रम होता चला आ रहा है। जब भी मानसून रूठता है या क्षेत्र में बारिश नहीं होती, तब यह आयोजन होता है। इसी को लेकर बसेड़ी निवासियों के सहयोग से सामूहिक दाल रोटी तैयार की गई और छोटे बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ हर राहगीर को खिलाया गया, जिसमें खाने के दौरान पानी नहीं दिया गया। पानी के लिए ईश्वर से पानी मांगने की बात कही।
जब छोटे बच्चे दाल रोटी खाकर पानी मांगते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। अब देखना यह होगी कि ऐसी परंपरागत रूप से चली आ रही परंपराओं द्वारा बारिश को लेकर किए जा रहे प्रयासों का कितना असर रूठे मानसून पर होता है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सड़क निर्माण में घोटाले का आरोप, पूर्व सभापति ने की जांच की मांग। धौलपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किए गए घोटाले के सामने आने के बाद पूर्व सभापति ने पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार को घेरा है। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने घोटाले में वर्तमान विधायक की भूमिका को भी संदिग्ध बताया, जिसको लेकर उन्होंने जांच की मांग की है। धौलपुर जिले के पीडब्ल्यूडी में तैनात उच्च अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलीभगत करके 8 गांवों की सड़कों को कागजों में डलवाकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। विभाग के अधिकारियों ने हिनोदा से पुरानी छावनी, लोहारी से तोर, ओदी से भोजपुरा, हीरा भूमिया, जाखा से माफल कपुरा, विश्नौदा से मिल्कन लिंक रोड, पथेना से गुर्जा और करीमपुर के पुरा से जीएसएस करीमपुर तक की सड़कों को कागजों में दर्शा कर ठेकेदारों को बिना सड़क डाले ही 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, जिसकी शिकायत 3 जून को मुख्यमंत्री की फोटो और वीडियो के साथ भेजकर की गई। अधिकारियों की शिकायत किए जाने के बाद 12 जून को विजिलेंस की टीम धौलपुर के पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंची। उनसे पहले ही 11 जून की रात को अधिकारियों ने मामले में लीपापोती करने के लिए सड़कों पर 3 इंच की डामर डाल दी। धौलपुर जिले के पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए घोटालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि धौलपुर के इतिहास में पहली बार बिना सड़क बनाए ठेकेदारों को पेमेंट किया गया। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर सड़क डाली गई है वह सड़कें वर्तमान विधायक के क्षेत्र में आती हैं। ऐसे में वर्तमान विधायक द्वारा कोई भी आवाज नहीं उठाई गई है, जिसे घोटाले में उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में आती है। पूर्व सभापति ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय से सड़कों पर काम मंजूर हुए थे, जबकि भाजपा सरकार के समय में बिना सड़क डाले ही घोटाला कर भुगतान कर दिया गया। पूर्व सभापति ने सरकार से मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। देश के इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पधारे आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो उद्देश्य आप लोगों को बुलाने का, आपसे मिलने का था, बहुत ही गंभीर विषय है। शायद मेरे ख्याल से जो मैं स्थिति देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से, इस पर कई लोगों का ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य से धौलपुर के इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि सड़क डल गई रिकॉर्ड के अंदर, बिल उठ गए, बन गए, भुगतान हो गए, तो मौके पे गए तो सड़क मौजूद नहीं। एक किसी भले आदमी ने, जिसने अपने आप को जनता के सेवक का नाम दिया है, 3 जून को शिकायत करी। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि क्या घपला हुआ है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक नॉन पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं है, इसलिए किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो गया। लेकिन कोई एक जागरूक व्यक्ति था जिसने उस मुद्दे की गहराई में जाकर उसकी जानकारी करी, शिकायत करी और ये मामला सामने आया। मैंने भी इसकी जानकारी करी, मैंने भी कलेक्टर साहब से इस बारे में शिकायत करी है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि इस निरंकुश तरीके से धौलपुर की व्यवस्थाएँ चल रही हैं। ये जो 2.5 करोड़ का जो ठेका था, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। मुझे ताज्जुब होता है मौजूदा सरकार पे कि उनके कार्यकाल के अंदर इस प्रकार का घपला हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने में आता है कि मौजूदा विधायक का भी इस पे कुछ इंटरेस्ट है, क्या है, लोग कहते हैं कि साहब उनकी पार्टनरशिप है। अगर है तो स्वाभाविक है वो जांच में सामने आ जाएगा, और नहीं है तो एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते विधायक को अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई? ये मुद्दा विधायक को सबसे पहले उठाना चाहिए था, अगर इतना बड़ा करप्शन दौड़ता तो। ये तो मात्र वो करप्शन है जो निगाह में आ गया। ऐसे कितने होंगे इस आड़ के अंदर जो अब तक हो चुके होंगे? ये उन गांव वालों के संग जिन्होंने, और ये जो मैं गांव की लिस्ट है जहां जहां ये ऐसे करीब 8 गांव हैं जहां ये सड़कें मंजूर हुई, ये वो गांव है जहां से मौजूदा विधायक जीत के आई है, और उन गांव के संग इस प्रकार का धोखा हुआ। और जब ठेकेदार को या अधिकारियों को, अभियंताओं को ये पता पड़ा कि विजिलेंस की टीम धौलपुर आ रही है, रातों रात
मात्र एक रात या दो रात के अंदर वहां पे मशीन सारा जमावड़ा इकट्ठा करने के बाद में आधा आधा इंच की मिट्टी के ऊपर सड़कें डाल दी गई। और जब वहां लोग गए तो हाथों से जनता ने गांव वालों ने खोद के दिखा दिया कि देखो क्या हुआ है। इस प्रकार की लिपापोती जनता के पैसे के संग अन्याय मैं समझता हूँ भौतिक इतिहास में सब पहला कभी नहीं। क्वालिटी की शिकायतें आती थी कि रोड की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, 4 इंच की सड़क डलनी थी, 3 इंच की डल गई, यहाँ तो पूरी की पूरी रोड गायब हो गई। मेरा निवेदन ये है कि मेरा उद्देश्य अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, जनता को जागरूक करना एवं उनकी नॉलेज में लाने ये चीज़ और आने वाले भविष्य के लिए चेता रहा कि अगर आप लोग सब मिलकर अगर इस चीज़ के प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके सब धोखा होता रहेगा, आपके पैसे के साथ धोखा होता रहेगा। आप चल अब रिकॉर्ड में उन गांव की सड़कें बन चुकी हैं, अब 10 साल बाद नंबर आएगा उन गांव का। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड ये बोलेगा कि सर इस गांव की तो सड़कें 10 साल पहले डल गई थी, लेकिन मौके पे वो सड़कें मौजूद नहीं है। उन्होंने उन सभी गांव वालों से जिनके यहाँ सड़कें मंजूर हुई थी नहीं डली उनसे भी गुहार करता हूँ कि उन लोगों का आवाज़ उठानी चाहिए अपने के लिए, और जो ये अधिकारी इसमें मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो आपके माध्यम से बात उठा रहा हूँ, इस पर और तह तक जाने की कोशिश करूँगा, सरकार तक अधिकारियों तक जो कार्रवाई होनी चाहिए करप्ट लोगों के खिलाफ, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो अधिकारी हो, जिससे इस पर अंकुश लग सके, भविष्य में ऐसी गलती कोई जरूरत ना करें। अरे आटे में नमक कम भी सुन रहे थे, लेकिन इस प्रकार से आप पूरा निल्ले पर ही आप पूरा घोटला कर रहे हो खा रहे हो, ये धोलपुर के इसमें अच्छा नहीं होगा। मेरा निवेदन है आप लोग ये पहली बार तो मेरी जानकारी मिली है ऐसी कौन सी सड़कें हैं, और अगर हैं तो इसका एक काउंटर ये हो सकता है कि सड़कें तो बनी हैं, सड़कें बनी हुई स्थान बदल गया वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो पता इस वजह सड़कें नहीं बिल्कुल ये भी गैरकानूनी है। ये चुनावों से पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था, ITI के बगल से जो उन्होंने अपने निजी जमीन में विधायक कोटे से जो है सड़क डाली थी 80 लाख की,